हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो खास तौर से इस बारे में है कि जब बिस्तर पे आप दोनों यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ रहते हो तो किस चीज़ पे मर्दों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं आता, यानी कि आपके पति देव का ध्यान बिल्कुल नहीं आता और किस चीज़ पे जाता है। देखिए, बहुत सारी फीमेल पार्टनर ऐसी होती है जिसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर तो होता है, करने की इच्छा तो होती है, उसका मन भी करता है कि वो सारी चीज़ें करे जिसके बारे में उसने सुना है, देखा है या पढ़ा है या जाना है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ों की वजह से ना वो पीछे हट जाती है। उसी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं औरतों की कुछ साइकोलॉजी होती है जो एक मिथ है, इसको हटाना काफ़ी ज़रूरी है। इसी के चलते बहुत बार वो पूरी तरीके से अपने इंटीमेट लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो चलिए सबसे पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मर्दों का ध्यान जाता किस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, पहले ना शुरुआत कर लेते हैं, फिर हाँ के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले जिस चीज पे बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं जाता वो है आपके अंडरवेयर का साइज, कलर और वो किस कंपनी की है। बहुत सारी फीमेल पार्टनर ऐसी होती है जो लिव इन रिलेशनशिप में है, डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, न्यूली मैरिड है या न्यूली कपल है, वो ना काफ़ी हद तक इसके बारे में वरीड होते हैं, खास तौर से उस दौरान जब वो नए इंटीमेट रिलेशनशिप को बना रहे होते हैं। डेफिनेटली क्यूरियोसिटी होना आम बात है, हर चीज़ के बारे में सोचना आम बात है, बट इस चीज़ पे इतना ध्यान मत दो क्योंकि मेल साइकोलॉजी जो है ना वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। जब उनके दिमाग में सेक्स डिज़ायर बनता है ना तो वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचता कि आपने अंडरवेयर किस कंपनी का पहना हुआ है, किस साइज़ का पहना हुआ है, कौन से प्रिंट का पहना हुआ है, बल्कि इस चीज़ पे ध्यान रहता है कि वो उसको उतारे कैसे। नंबर टू, ब्रेस्ट का लटकना या फिर छोटा होना, बड़ा होना, दोनों का साइज में डिफरेंस होना। जी हाँ, एक नॉर्मल, जब उसके बॉडी में कोई सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल नहीं है, ऐसा नॉर्मल बंदा शायद इसके बारे में सोच सकता है। हाँ, अगर वो नॉर्मल देखे मेरी वाइफ की ब्रेस्ट ना लटक चुकी है, थोड़ा बहुत तो लटक चुकी है, जो भी हो, पिगमेंटेशन आ चुका है, स्ट्रेच मार्क्स आ चुके हैं, कहीं एक छोटा एक बड़ा लग रहा है क्या। हाँ, एक आम इंसान जो आम सिचुएशन पे हैं वो सोच सकता है, बट जब वो उस दौरान है कि उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना है, आपसे ढेर सारा प्यार करना है, आपको ढेर सारा प्यार देना है और वो प्यार अब इमोशनल नहीं फिजिकल है, तो उस दौरान ना वो इस पे ध्यान उतना खास देता नहीं। यस, जिनको ब्रेस्ट फटीश है यानी कि जो आपके स्तन पे बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट फील करता है, वो आपके क्लीवेज को फील कर सकता है, देख सकता है कि हाँ आपका क्लीवेज जो है यानी कि दोनों ब्रेस्ट के बीच का जो हिस्सा है वो कितना खूबसूरत दिख रहा है। हो सकता है कि वो निपल को छुए, हो सकता है कि वो उसके साथ खेले, बट उसका ध्यान इस तरफ उतना खास नहीं जाता है कि वो कितना लटक चुका है और इसकी वजह से उसकी जो फंटेसी है वो काफ़ी हद तक कम हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर इसमें उसका कुछ असर पड़ रहा है, इसके बारे में वो इतना ध्यान नहीं देता। हाँ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारे मर्द ध्यान नहीं देते, बट अक्सर ज़्यादातर मर्द ही उस दौरान जब आप दोनों ही बेड पे हो ध्यान नहीं देता। नंबर थ्री, वो है आपके वजाइना का रंग, कलर, शेप, साइज या फिर वो दिख कैसा रहा। जी हाँ, हर वुमेन अलग है, हर औरत अलग है, इसीलिए हर औरत का जो अंग है वो भी अलग है और वो अपने आप में यूनिक है। बहुत लोग ना इसके बारे में काफ़ी कंसर्न होते हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड होते हैं, खासतौर से वही महिला ज़्यादा होती है जो ओरल करना काफ़ी हद तक पसंद करते हैं, वो इस मामले में काफ़ी इनसिक्योर और सिक्योरिटी को हासिल करने के बारे में सोचते हैं, लाइक वो अपने प्यूबिक हेयर को प्रॉपर रिमूव करना, बार बार वजाइनल लाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल करना, इन सारी चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देते हैं। कैसा दिख रहा है वो हिस्सा मेरा, कहीं एम्बैरसिंग तो नहीं, बट ट्रस्ट मी जिनको आपके वजाइना में इंटरेस्ट है, जो ओरल सेक्स को करना पसंद करता है, जो उसके साथ खेलना पसंद करता है, जिसको क्लिट स्टिमुलेशन देना आता हो, जिसको फिंगरिंग करना आता हो, जो इसके बारे में फंटसाइज हो, उसको इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी वजाइना दिख कैसी रही है। और ट्रस्ट मी,
अक्सर मर्दों को ना इसके बारे में उतना ध्यान नहीं रहता, क्योंकि जो मर्द आपके वजाइना को देखता है ना अपने आँखों से, उसको आप जो हो उस तरीके से फुल हाइजीन के साथ होना चाहिए। अदरवाइज जिसको आपके वजाइना में इंटरेस्ट ही ना हो तो वो भी देखता ही नहीं, और जो देखता है वो आप जैसे हो वैसे देखता है। बस उसको साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है। अगर उसको प्यूबिक हेयर पसंद नहीं, उसको रिमूव करके रख सकते हो, ट्रिम करके रख सकते हो। और ये इस बात का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि उसमें कोई भी स्मेल ना आए। वजाइना का कलर डार्क होना बहुत ही आम बात है, ये हॉर्मोन्स की वजह से होता है और ये घर्षण की वजह से होता है, क्योंकि वो हमेशा ढकी होती है, ज़्यादा हवा पानी उस जगह पे नहीं लगता, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। तो ट्रस्ट मी, इसको लेके इतना बॉदर फील मत करो। बहुत बार ये उन औरतों में ज़्यादा होता है जिन्होंने चाइल्ड बर्थ किया है, या उन औरतों में ज़्यादा होता है जो नई नई अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में है। जो थोड़ी पुरानी हो जाती है उनको इन सारी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर फोर, वो है औरत का वजन। देखिए, दूसरे टाइम पे जब हम अरेंज मैरिज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ना, उस टाइम पे वजन दुबली पतली मोटी ये सारी चीज़ें देखी जाती है। बट खास तौर से जब कोई मेल पार्टनर किसी फीमेल के साथ हम बिस्तर हो रहा होता है ना, उस टाइम पे भी वो वजन के बारे में इतना नहीं सोचता। यस, कुछ सिचुएशन पे अगर आप लाइट वेट हो तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल हो सकते हो, बहुत सारे पोजिशंस में आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वजन आपके इंटीमेट रिलेशनशिप में बाधा क्रिएट कर सकता है। अगर आप कंफर्टेबल हो अपने आपके अपने बॉडी वेट को लेके, कंफर्टेबल हो, अगर आप हर चीज़ को इंजॉय कर सकते हो, तो वजन यहाँ पे कोई बाधा नहीं देता और मेल पार्टनर भी इसने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। बहुत सारी फीमेल पार्टनर इसके बारे में ना बॉडी शेमिंग में आ जाती है, कंफ्यूज हो जाती है कि कहीं मेरा जो कि ज़्यादा वेट है वो मेरे मेल पार्टनर को बॉदर तो नहीं कर रहा। और नंबर फाइव, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा औरतें स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड भी हो जाती है, वह मैं करते वक्त दिख कैसे रही हूँ, क्या मैं थोड़ी अजीब दिख रही हूँ, क्या अनकम्फर्टेबल दिख रही हूँ। इन चक्करों में वो खुलती नहीं अपने आप को, इन चक्करों में वो पोजीशंस को ट्राई नहीं करती, इन चक्करों में वो अपने मेल पार्टनर के सामने ओपन नहीं होती, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे मेल पार्टनर को ओपन फीमेल पसंद होती है, बहुत सारे मेल पार्टनर को ओपन फीमेल पसंद नहीं होती, शाय पसंद होती है। बट आपको ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके मेल पार्टनर को कैसा, यानी कि आप में क्या चीज़ें पसंद है, क्या आपको मतलब कि वो चाहता है कि आप ओपन हो जाओ या फिर नहीं चाहता। अगर वो चाहता है ना तो कभी कभार वो आपको हिंट ज़रूर देगा, जैसे कि चलो इस चीज़ को ट्राई करते हैं, चलो कुछ नए पोजीशन को ट्राई करते हैं, मुंह से ना भी बोले पर ट्राई करने की कोशिश करता है। जो फीमेल ओपन बोल्डनेस पसंद करता है ना, सबसे पहली खासियत उसकी ये होती है कि वो किस को कभी अवॉइड नहीं करता। आई एम टेलिंग यू, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। साइकोलॉजिस्ट और बड़े बड़े रिसर्चर्स ये बताते हैं कि जिन मर्दों में या जिन औरतों में बोल्डनेस होती है सेक्स के मामले में, वो हमेशा किसको ट्राई करता है, किसको अटेम्प्ट करता है, बिकॉज दे नोज अबाउट इट कि किस जो है एक ऐसी चीज़ है जो उनके बॉडी की उत्तेजना को, काम उत्तेजना को बहुत अच्छी तरीके से। तो इन सारी चीज़ों पे उतना ध्यान मत दो कि आप करते वक्त कैसे दिख रहे हो कैसे नहीं दिख रहे हो। अगर आपका मेल पार्टनर बोल्ड है, ओपन है, तो आप जैसे भी दिख रहे होंगे उनको उसी से मजा आने वाला है। चलिए, ये तो डिस्कस कर लिया कि मर्द किस सारी चीज़ों पर बिल्कुल नहीं देखता, और इसी में ही मैंने ये भी बोल दिया है कि किस तरफ मर्द देखता है। इसके अलावा भी मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, जिन सारी चीज़ों पर मर्द का बहुत ज़्यादा फोकस जाता है, आई एम टेलिंग यू, वो है आपका कमर, आपकी नावल का हिस्सा। 100 में से 80% मेल होते हैं जो मेल फीमेल पार्टनर के नावल हिस्से को बहुत ज़्यादा ही सिलेक्टिव फील करता है। उनको ऐसा फील होता है कि कमर अगर खूबसूरत होना, कमर अगर अच्छा होना तो बढ़िया हो जाए। खूबसूरत होने का मतलब ये नहीं है कि आपके कमर में फैट नहीं होगा, खूबसूरत होने का ये मतलब नहीं है कि आप एकदम दुबली पतली हीरोइन जैसी दिखनी चाहिए आपको। खूबसूरती का मतलब ये है कि आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, चाहे भले ही उसमें स्ट्रेच मार्क्स हो, भले ही आप मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, जो भी हो, अपने आप को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है ना। आई मीन टू से कि दाग धब्बे होना, अपने बॉडी को मेंटेन ना करना, बहुत सारी फीमेल होती है, तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करें। मैक्सिमम मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो फीमेल के ब्रेस्ट पे ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं। अब वो लटके हुए हो, चाहे कुछ भी हो, निप्पल जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो आप चाहते हो कि आपका मेल पार्टनर जो है जिस चीज़ पे अट्रैक्टेड फील कर रहा है वो बढ़िया हो, तो रेगुलर अपने ब्रेस्ट की मसाज करो, चाहे वो लटके हुए ही हो मसाज करो। इससे क्या होगा पता है, आपकी ब्रेस्ट की स्किन अच्छी रहेगी, जो भी थोड़े बहुत लटके हुए हैं उससे ज़्यादा वो नहीं लटकेंगे, और
वो खूबसूरत दिखता है, निपल्स की हेल्थ अच्छी रहती है, ब्रेस्ट का हेल्थ अच्छा रहता है, वो दिखने में खूबसूरत रहता है। और हाँ, जिन फीमेल्स की क्लीवेज बहुत बढ़िया है ना, वो और ज़्यादा हाईलाइट होती है, ट्रस्ट मी। इसके अलावा आई थिंक मर्दों को इतना ज़्यादा किसी चीज़ पे वो उतना गौर नहीं फरमाते। जिन चीज़ों पे गौर फरमाते हैं ना, वो मैंने बोल दिया है, आप अपने आप को अगर मेंटेन करते हो, हाइजीनिक हो, हाइजीन का ध्यान देते हो ना, तो इन सारी चीज़ों से आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।